गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और जय माता दी सबको। तो आज है नवरात्रि अष्टमी, मतलब जो अष्टमी पूजन होता है, कन्या पूजन, तो हमारे घर में वो है। तो अभी कंजके आई थी और उनको हमने पूजा वगैरह करके जो भी खाना खिलाते हैं वो खिला दिया है, और अभी वो सारी अपने अपने घर चली गई हैं। और मैंने ब्लॉग शूट किया है सारा, तो मैं अभी वो इसमें वीडियो में क्लिप्स सारी ऐड कर दूँगी। तो अच्छा लगा कंजके पूजन करके, और क्योंकि मेरे पति देव के व्रत थे और दीदी का कल का फास्ट था, तो हमने आज कन्या पूजा जो है वो कर दी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और बिना स्किप करे जो है वीडियो को देखिएगा। तो देखते हैं, अभी मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी मैं तल रही थी पूरियाँ, दीदी पूरियाँ बेल रहे थे और मैं पूरी तल रही थी। और सुबह 6:30 के करीब हम ये सब बना रहे थे। दीदी ने जो है पहले ही जो छोले की सब्ज़ी है वो बना के रख दी थी, और हलवा भी बना के रख दिया था, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और ये बस पूरी तलने रह गई थी, तो हम जल्दी जल्दी पूरी तल के, और कंजक भी आके बैठ चुके थे, तो अभी उनकी भी मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ। और पूरी बहुत अच्छी बन रही थी, एकदम फुली फुली सी। इसकी रेसिपी जो जैसे मैंने इसका, मतलब दीदी ने आटा गूंदा था, तो वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी थोड़े दिन में। और बहुत ही अच्छी पूरी बन रही थी। फिर इसके बाद जो है हमने सारी पूरियां जल्दी जल्दी बना ली थी, और आप ये देख सकते हैं, ये दीदी नीचे बैठ के बेल रहे हैं पूरियों को, और मैं ऊपर यहाँ गैस पे पूरी तल रही थी। क्योंकि ऐसे हमारा, हम ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा काम वो कर लेते हैं, थोड़ा मैं कर लेती हूँ, तो हमारा टाइम भी मैनेज हो जाता है और काम भी जल्दी निपट जाता है, और काम का ज़्यादा लोड भी एक ही इंसान पे नहीं पड़ता है। तो आप भी अपने घर में ऐसा ही कीजिए, करें मिल बाँट के काम के करो, अच्छा रहता है। और अभी ये जो है हमारे घर का है, मंदिर है छोटा सा, हमने एक जगह में इसको सेट कर रखा है बहुत ही अच्छे से।